जलते भुजते रोशनी बिखेरते दिए, पटाखों की गूंज, मोहब्बतें बांटने के लिए तहाइफ का तबादला, मीठे में केक, ये है हिंदुओं का सबसे बड़ा मजहबी त्योहार दिवाली, जो लाहौर के कृष्णा मंदिर में भरपूर तरीके से मनाया गया। कृष्णा मंदिर में बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं बल्कि मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग इस खुशी के मौके पर शामिल हुए हैं। पाकिस्तान बैनुल मजहब का बैनुल मजहब हम आहंगी का दाई है और हमेशा अमन की बात करता है और हमेशा अमन फैलाने की कोशिशों में अपना किरदार हर तरह से अदा करता है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए। बेसिकली ये खुशियों का त्यौहार है और ये एक रोशनी का त्यौहार है और ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। लाहौर के कृष्णा मंदिर में बैनुल मजहब हम आहंगी को फरोग देने के लिए दिवाली की तकरीब मुनाकद की गयी, जिसका अहतमाम मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने किया। आज की तकरीब इस बात की दलील है, इस बात की गवाही देती है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये सिख है और ये हिंदू है। दिवाली की मुनासबत से मंदिर में खसूसी इबादत का अहतमाम किया गया और अपने अकीदे के मुताबिक देवी महालक्ष्मी की पूजा की गई। दिवाली की तकरीब के मौके पर बैनुल मजहब हम आहंगी के फरोग और मुल्की अमन व सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। कैमरा टीम के साथ रिदा जमशेद, लाहौर न्यूज़।